each are relatively, not comparatively, not comparatively, I said learning is a relatively permanent changing behavior that occurs through experiences and practice. Conclusion, we can say learning means modification of behavior. अधिगम का तात्पर्य अभिप्राय व्यवहार का परिमार्जन. व्यापक अर्थों में अगर हम बात करें या कहें अधिगम का तात्पर्य अधिगमकर्ता के व्यवहार में वांछित परिवर्तन. मैंने कहा यहां अधिगम में मैंने कहा अधिगमकर्ता के ध्यान देने का अधिगमकर्ता के व्यवहार में वांछित परिवर्तन. वांछित परिवर्तन डिजायरेबल. Changes. तो यहां पे बात कर रहे हैं हम लर्निंग या कहिए सीखना है ना, या अंग्रेजी इसका लर्निंग है. तो मैंने कहा और इस अधिगम ये बातें जो आई ये आया है कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी से आया है, क्योंकि मैंने कहा है एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इन विच वी स्टडी लर्निंग एंड टीचिंग. तो यहां पे शिक्षा मनोविज्ञान में एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है वुडवर्थ, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है. इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा है वुडवर्थ, वुडवर्थ से क्या कहा है, कहा है इन्होंने एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी एंड बिहेवियर इच अ कलेक्टिव एंड बिहेवियर इज ए कलेक्टिव ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज. यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वुडवर्थ ने कहा, मैंने अभी कहा कि वुडवर्थ जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है. तीनों ने कहा कि जीवन की कोई भी अभिव्यक्ति, ध्यान दीजिए यहां पे मैंने बात कर रहा हूं मैं, जीवन की कोई अभिव्यक्ति, कोई भी अभिव्यक्ति क्या है, क्रिया है ना, और व्यवहार जो हमारा है व्यवहार सभी क्रियाओं का समूह है. अब वुडवर्थ ने आगे कहा कि अधिगम को महत्वपूर्ण बताते हुए, जैसा कि मैंने अभी भी कहा पहले भी, कि अधिगमकर्ता का व्यवहार में वांछित परिवर्तन अधिगम कहलाता है. तो कहने का तात्पर्य क्या है, ध्यान दें समझिए इसको, कि अधिगमकर्ता के व्यवहार में परिवर्तन, वो भी वांछित परिवर्तन. तो
अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के सभी पहलू, मैंने कहा ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। कहा गया कि अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के सभी पहलू, ध्यान दीजिए यहां पे, व्यक्तित्व के सभी पहलुओं, और दूसरी बात व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के बाद उसके सभी डोमेन्स, ऑल डोमेन्स, दूसरी बात मैंने कहा ऑल डोमेन्स यानी क्षेत्रों में। तो ये जो बात आई यहां पे कि व्यक्तित्व के सभी पहलू, और दूसरी बात मैंने कहा कि सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए, ऑल डोमेन्स, द व्हाट आर द डोमेन्स, कि क्षेत्र क्या है या बीमा क्या है, तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, डायमेंशंस या डोमेन ऑफ लर्निंग, अधिगम के क्षेत्र, अधिगम के क्षेत्र या बीमा। तो कहने का मतलब ऑल डोमेन। तो अभी हमने कहा कि अधिगम के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि डोमेन्स जो हमारा है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन, ध्यान दीजिएगा यहां पे, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, या हम कह सकते हैं इसको कॉग्निटिव लर्निंग भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम भी कह सकते हैं या संज्ञानात्मक क्षेत्र भी कह सकते हैं। दूसरी क्या है, अफेक्टिव डोमेन कहिए या अफेक्टिव लर्निंग। तो पहला क्या हुआ, ये हमारा ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है, हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र है ये, और ये भावात्मक, भावात्मक, और तीसरा जो हमारा है वो साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन, इसका दूसरा नाम है कोनेटिव, या कह सकते हैं हम लोग परफॉर्मेंस। अब समझना ध्यान से, ये हमारा इसका हिंदी है क्रियात्मक। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डोमेन, पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। और मैंने कहा ये डायमेंशंस ऑफ लर्निंग है, ये हमारा डायमेंशंस ऑफ लर्निंग या डोमेन्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के क्षेत्र कहिए या बीमा कहिए। तब तीनों क्षेत्रों की बात, ये हमारा जो संज्ञानात्मक हमारा है ये हेड से रिलेटेड है, एच, ये हमारा हार्ट से रिलेटेड है, एबीएच, और ये हमारा हैंड से, एबीएच। कहने का मतलब क्या है, थ्री एच डेवलपमेंट की बात है, ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क, दिल और क्रियाएं, गतिविधि की बात है। और थ्री एच डेवलपमेंट जो हमारा है, एक सवाल और आता है, ये हमारे महात्मा गांधी ने भी जो एजुकेशन का डेफिनेशन दिया उसमें भी शिक्षा के तीन क्षेत्रों के विकास किया गया है, मस्तिष्क, भावात्मक और क्रियात्मक। तो तात्पर्य कहने का मतलब हुआ कि एक शिक्षक को, लिसन केयरफुली, एक शिक्षक को संज्ञानात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक क्षेत्र या भावात्मक अधिगम के साथ साथ क्रियात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक अधिगम का विकास करना चाहिए। हम लोग को पढ़ना है डोमेन्स ऑफ लर्निंग।
ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग, या कहें हमने क्या कहा, अधिगम के क्षेत्र, ये हमारा अधिगम के क्षेत्र। तो मैंने अभी क्या कहा, इसमें 3H की बात होती है। तो अधिगम के क्षेत्र में जो पहला मैंने कहा आपको, वो मैंने कहा क्या, कॉग्निटिव लर्निंग। ध्यान दीजिएगा, कॉग्निटिव डोमेन कहिए या लर्निंग, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक ये हमारा हेड से रिलेटेड है। इससे बहुत सवाल, एक दो सवाल सीटेट में पूछता है और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पूछेगा। अभी बता रहे हैं सवाल, इसके बाद हम सवाल भी देखेंगे। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो कहा गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो हम बात करेंगे, वो मुख्य रूप से बात करेंगे बौद्धिक योग्यताओं, क्षमताओं का विकास करना। तो मैंने क्या कहा कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मुख्य बात है बौद्धिक योग्यता क्षमताओं का विकास करना। तो अभी हमारा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की जो बात कर रहा है, ध्यान से समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, व्हाट आर द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, हमारा रीजनिंग, तर्क, चिंतन, थिंकिंग, फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर है हाइपोथेसिस, परिकल्पना। ये सारे क्या है, ये हमारे बौद्धिक योग्यता है कि तर्क का विकास करना है, चिंतन का विकास करना है। और चिंतन यहां पे कैसा, दो तरह का, एक कन्वर्जेंट और दूसरा डाइवर्जेंट। और ये कन्वर्जेंट हमारा रिलेटेड है इंटेलिजेंस से, और ये हमारा संबंधित किससे, क्रिएटिविटी से। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या कहा मैंने कि थिंकिंग कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो तरह का, कन्वर्जेंट इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, कोडबर्ड हो गया, और डाइवर्जेंट क्रिएटिविटी सृजनात्मकता से संबंधित है। तो अब यहां पे देर आर सो मेनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान, और हमारा डिसीजन मेकिंग निर्णय लेना। ये जो हमारा मैंने कहा, ये हमारा डिसीजन मेकिंग, है ना, ये हमारा जो डिसीजन मेकिंग है। उसके बाद देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। ये मैंने बात किया कि बहुत सारी योग्यताएं हैं, जैसे और है एनालिसिस, विश्लेषण, सिंथेसिस, संश्लेषण, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अधिगम के क्षेत्र में पहला जो हमारा क्षेत्र हुआ संज्ञानात्मक, मुख्य रूप से मैंने कहा कि बौद्धिक योग्यताओं क्षमताओं का विकास करना है, इस पे ध्यान देना है शिक्षक को, टीचर को ध्यान देना है, शिक्षक को संज्ञानात्मक क्षेत्र का विकास करना है ना। ये तो हमारा, अब हम दूसरा डोमेन की तरफ चर्चा करें। दूसरा मैंने बताया अफेक्टिव डोमेन, ये हमारा हिंदी क्या है, भावात्मक क्षेत्र।
और ये ध्यान दीजिएगा, ये सीटेट में बहुत पूछता है, अफेक्टिव का ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ये ज्यादा पूछता है। ये कैसे पूछेगा बता रहे, अफेक्टिव डोमेन मेनली फोकसेस ऑन इमोशंस, इमोशनल डिजायर्स, फीलिंग्स, इंपैथी, सिंपैथी। मैंने कहा कि हमारा ये फोकसेस करता है किस चीज पे, ऑन इमोशंस, संवेग, डिजायर्स, इच्छाएं। उसके बाद हमने क्या कहा, इमोशंस, संवेग, फीलिंग, फीलिंग्स, भाव। फिर मैंने कहा सिंपैथी, सहानुभूति, सहानुभूति। उसके बाद इंपैथी, परानुभूति। इसे सवाल कैसे पूछता है सीटेट में, स्टेटमेंट में रहेगा और रहेगा कि सिंपैथी या इंपैथी, तो समझ लीजिएगा कि सहानुभूति ये टर्म हमारा रिलेटेड है अफेक्टिव डोमेन से। तो वहां पे अफेक्टिव के जगह के ऑप्शन में रहेगा इफेक्टिव, ध्यान दीजिएगा। तो ये इसको ध्यान देना है, ये नहीं है, ये हमारा इफेक्टिव नहीं है, अफेक्टिव। तो मैंने भावे ये मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है। भावात्मक क्षेत्र का अभिप्राय, ध्यान दीजिए कि एक शिक्षक को संज्ञानात्मक तर्क का विकास, चिंतन का विकास ये तो करना है, इसके साथ ही साथ एक टीचर को, शिक्षक को भावात्मक क्षेत्र का भी विकास करना है। क्योंकि स्कूल के वातावरण में जब बच्चे पढ़ते होते हैं तो उनमें एग्जाम के कारण, पढ़ाई के कारण मानसिक तनाव, दबाव यह महसूस होते रहता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अधिगमकर्ता के भावात्मक क्षेत्र का भी विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके इमोशंस अगर का कंट्रोल नहीं करना, संवेगों पर नियंत्रण, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहा, संवेगों पर नियंत्रण, और खास करके किशोर बालक, किशोर बालक के सांवेगिक विकास, सांवेगिक विकास पे ध्यान देना है। तो इसलिए हमारा भावात्मक क्षेत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एक शिक्षक के लिए। संज्ञानात्मक तो है ही, भावात्मक भी हमारा रहता है। अब हम तीसरे डोमेन की तरफ चलें। तीसरा डोमेन क्या है, साइकोमोटर, ध्यान दीजिए, साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक, क्रियात्मक क्षेत्र। ये जो हमारा क्रियात्मक क्षेत्र है, तो मैंने अभी को बताया था आपको कि ये भी एच है, ये क्या है, हार्ट से रिलेटेड है, और ये हमारा हैंड है। तो समझिएगा यहां पर एक शिक्षक को संज्ञानात्मक के साथ साथ मैंने कहा कि भावात्मक, तो बालक के संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक जो हट से संबंधित है, उसके बाद जो आज के समय में प्रेजेंट सिनेरियो में जरूरत है, जो कहा गया कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, तो आखिर शरीर को हेल्दी रखने के लिए क्या करना होगा, दैट इज ए डूइंग एक्टिविटी, एक्टिविटीज करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज दैट मीन्स की मेडिटेशन, ये सारी चीजें। कहने का मतलब यहां जो हमारा बात कर रहे हैं, हम एक्टिविटी बेस्ड की बात कर रहे हैं, एक्टिविटी, क्रिया, क्रिया आधारित अधिगम। जो हमारा जो क्षेत्र है ये एक्टिविटीज के द्वारा होगा, खेल के द्वारा, गेम, स्पोर्ट्स, खेल के द्वारा ये होगा। और ये जरूरी है, साइकोमोटर डोमेन का विकास ये ज्यादा जरूरी इसलिए है कि यहां पे क्रिया आधारित
अधिगम है, और क्रिया आधारित अधिगम को विकास करने के लिए क्लासरूम में फोर वॉल बाउंड्री के अंदर नहीं हो पाएगा, वो थोड़ा मैदान में, खेल के मैदान में ही थोड़ा ज्यादा विकसित होगा। इसलिए कहा गया कि साइकोमोटर डोमेन क्रियात्मक क्षेत्र का विकास भी शिक्षक के लिए क्या है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे भी सवाल होगा, मैंने क्या कहा, डूइंग एक्टिविटी क्रिया करने की बात है साइकोमोटर डोमेन में। तो मैंने अभी आपको बतलाया कि संज्ञानात्मक क्षेत्र शिक्षक को विकास करना इंपॉर्टेंट ही है, इसके साथ मैंने कहा कि भावात्मक क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है, जो सवाल कैसे आएगा वो मैं बताता हूं, और तीसरा हमारा क्या है, साइकोमोटर डोमेन क्रियात्मक क्षेत्र में। अब सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डोमेन्स ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर वन, अगर ये आ जाए कि अधिगमकर्ता, ध्यान दीजिए, अधिगमकर्ता के चिंतन, कल्पना और समस्या समाधान का विकास करने के लिए शिक्षक है ना, तो पहला क्या होगा, कॉग्निटिव करेगा, ध्यान देगा, बी अफेक्टिव ध्यान देगा, या सी हमारा कोनेटिव। तो मैंने क्या कहा, चिंतन और कल्पना का विकास कैसे होगा, ये आप थोड़ा सा सोचिए, मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। शिक्षक कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा था एक विद्यार्थी अचानक रोने लगा तो शिक्षक की जरूरत है ध्यान देने की। तो पहला हम लिखे भावात्मक, दूसरा संज्ञानात्मक और तीसरा क्रियात्मक। यहां भी सोचिए थोड़ा सा कि शिक्षक कचाकस में पढ़ा रहा था, अचानक एक विद्यार्थी क्या लगा, रोने लगा, तो इसको भावात्मक क्षेत्र का विकास ध्यान देना होगा कि संज्ञानात्मक देखना होगा कि क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तीसरा कि शिक्षक बालक में संवेगों पर नियंत्रण करना चाहता है, तो अब कैसे करेगा, क्रियात्मक के द्वारा, दूसरा भावात्मक के द्वारा, या तीसरा संज्ञानात्मक के द्वारा। क्वेश्चन आगे देखिए, शिक्षक शिक्षक बालक को समस्या समाधान के तकनीक बतलाता है, तो यहां पे क्या विकास करेगा, संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर फाइव हम देखें, एक्टिविटी व्यवहार को करना, ये व्यवहार को करना क्या कहलाएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक
और तीसरा है क्रियात्मक। अब यहां पे पांच क्वेश्चन हमने आपको बताया। पहला है अधिगमकर्ता के चिंतन कल्पना क्षेत्र का विकास किसमें होगा, कॉग्निटिव डोमेन में होगा। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा था, अचानक वो रोने लगा, दैट इज ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारा भावात्मक क्षेत्र पे ध्यान देना होगा। शिक्षक बालक में संवेगों पर नियंत्रण, इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहता है, तो क्रियात्मक होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये हमारा ये होगा। शिक्षक बालक के समस्या समाधान को सिखलाता है, ये हमारा संज्ञानात्मक में आएगा। अब पांचवा है डूइंग एक्टिविटी, व्यवहार को करना किस क्षेत्र में आता है, संज्ञानात्मक में आता है, भावात्मक में आता है कि क्रियात्मक में आता है, तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, हमारा इसमें आएगा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा डायमेंशंस ऑफ लर्निंग और उसके बाद हम लोगों ने सवाल देखा और ये सवाल आपका इतना इंपॉर्टेंट है सीटेट में कि निश्चित है कि दो या तीन क्वेश्चन आना है और उसके बाद आपका शिक्षण योग्यता में सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, देखना और स्किप करके नहीं देखना है। धन्यवाद।